ठीक है जी, ये हो गया सैलरीज, हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनुअल डे एक्सपेंस 15,000, सिंपलिज्म एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस हो चुका, सन्डरी एक्सपेंस 20,000, ठीक है जी, केयर एसेट है, पोस्टर एंड टेलीग्राम हो चुका, बिल्डिंग मेंटेनेंस टू मेंटेनेंस 63,000, ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब आ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम सिस्टम से चल रहे हैं, 2 सरप्लस 689666। अब बनाएंगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, अगले साल की हो जाएगी 31 मार्च, शुरुआत कहां से करेंगे, रिसीप्ट से, कैश एट बैंक 1,25,000। अब रिसीट एंड पेमेंट से क्या चेक कर सकते हो, पुरानी कोई एसेट तो नहीं बेची हुई, चेक करो पेमेंट्स में, चेक करो कोई पुरानी लाइबिलिटी तो पे नहीं की। अब आ जाओ नीचे, बिल्डिंग है जी पिछली, बिल्डिंग कितने की, 5 मेंबर्स, पिछले साल की एरियर सब्सक्रिप्शन है 10,000, पोस्टेज स्टैम्प्स पड़ी हुई है 2,500, ढंग से करेंगे तभी आगे, देखिए इन्वेस्टमेंट एंड शेयर्स भी है 50,000, जल्दबाजी में ना गड़बड़ होती है, हमेशा ध्यान से देखना, पूरा पढ़ो ढंग से, ये आ गया 687,500 कैपिटल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006। शेड बैंक इस बार का लास्ट में दिया होगा 1,35,000, बिल्डिंग 5,00,000 की है, इसमें डेप्रिसिएशन भी लगा है कितना, 25,000, कितने की रहेगी, 4,00,000। इस बार ये सब्सक्रिप्शन कितनी है जी, 15,000, तो आधी चीजें तो ऐसी बन जाती, पोस्टेज स्टैम्प चेक करो
कितने के अबाउट दिस टाइम क्लोजिंग स्टॉक है जी? 15। इन्वेस्टमेंट में कहीं चेंजेस नहीं है, सेम रहेगी। देखा जाए तो मुद्दा तो असली खत्म हो रहा है, अभी हमने ओल्ड आइटम टैली कर ली। एड सरप्लस, जब हमने हिसाब किताब लगाया तो एडवांस सब्सक्रिप्शन भी निकली थी कितनी, 30,000। ठीक है जी, कितनी निकलाई थी? 30,000। ये हमने ओल्ड आइटम डाली थी। दोबारा से रिसीव्ट में आ जाओ, सब कुछ एडजस्ट है। एसेट में चेक करो, कोई पुरानी कोई एसेट तो नहीं? शेयर खरीदे 50,000, 70 लाख, 50,000 इन्वेस्टमेंट इन शेयर, चाहो तो इसमें जोड़ दो, दैट इज अगेन 7,00,000। ठीक है जी, नीचे सारी एडजस्टमेंट चेक करो, बीच कहीं वो हो गया जी, पोस्ट सेम वाला हो गया जी। अच्छा, एनुअल डे की रिसीट भी लेनी है, एरियर एनुअल डे रिसीट। एडवांस टेलीफोन चार्ज कितने पे किए हैं? 3। लो मिला रहे हैं इनको, जितने परसेंट मैंने आपकी ध्यान लगाया अगर उतना आप लगा लेंगे तो बिल्कुल आगे निकल जाएंगे। ठीक है जी, बैलेंस शीट का टोटल आ गया, बिल्कुल सही आया जी।
क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, अब करेंगे 14 देन 15। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स, डेट क्या है 31 मार्च 2000। क्वेश्चन नंबर ए, नंबर ए देखा जाए तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का ना एक जीरो हटा दिया, वो वाला क्वेश्चन। फिर हम करते हैं बुक्स में बिल्डिंग है 50,000 को डेप्रिसिएशन लगेगा 5%, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 50,000 का 5% 25, 200 मेंबर ईच पेइंग 250, यानी 50,000 इनकम होनी चाहिए। वही चक्कर है, कहता जी पिछले साल कुछ एडवांस नहीं मिला लेकिन बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी, एट करंट एरियर लेस प्रीवियस एरियर। ध्यान से देखो, करंट एरियर है 1500, प्रीवियस एरियर है 1000, एड प्रीवियस एडवांस कहता कुछ नहीं है, लेस करंट एडवांस, क्योंकि हमें इनकम तो 50,000 की ही दिखानी है ना। तो यहाँ देखो कितने बन गए, 53,000 एडवांस आ गया करंट, ये फिगर आपने क्रिएट करी है, ठीक है जी। 52,500 मिले हुए हैं, करंट एरियर 1500 है और पिछले साल का एरियर 1000, गॉट इट। और बंदे तो कितने हैं हमारे पास, 200 पर बंदे से 250 मिलता है तो 50,000 की इनकम होनी चाहिए, वो कितना गया 53, तो 53 को 50 बनाने के लिए 3000 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। पोस्टेज स्टैम्प्स की वो निकालेंगे, तो कंजम्पशन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, एड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक 350, 2450 होगी स्टेशनरी यूज होगी। इन्वेस्टमेंट है बिगनिंग में 7,000 रुपए की, चलो उसका कोई इंटरेस्ट होगा देख लेंगे। एनुअल डे रिसीव्स है 2700, एक टाइम में एक चीज पर ध्यान लगाना, क्वेश्चन सॉल्व ही तब होता है। रिसीट्स हैं 2700, एड करंट एरिया, करंट एरिया कितनी आई 2700, रेंट ऑफ थिएटर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ थिएटर That is 3000। उसके बाद आता है टेलीफोन एडवांस में पेमेंट कर सकती है, टेलीफोन चार्जेस 2000 है। देखो जी हम मेन आपने एडजस्टमेंट सारी निपटा दी, देखा जाए तो 90% का एडजस्टमेंट निपटा देना ही होता, फिर भी पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आगे, वो डेप्रिसिएशन वगैरह तो नहीं दिया। अब आ जाओ रिसीप्ट में, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, एनुअल डे रिसीप्ट हो चुका है, मुशायरा रिसीप्ट, डिविडेंड ऑन शेयर, ठीक है जी। इधर सैलरीज 2500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
डबल डे एक्स एम टेलीफोन चार्जेस हो चुके हैं, मुशायरा एक्सपेंस 11, कंट्री एक्सपेंस 35, शेयर परचेज एसेट है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो चुके हैं, मेंटेनेंस बिल्डिंग मेंटेनेंस 654। अब हम निकाल लेते हैं नाइन सिक्स जीरो, बिल्कुल सही जवाब आ गया 6596। ठीक है जी, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है। सबसे पहले रिसीव्ड में आ जाओ, कैश है 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2002, बैंक बैंक में कितने पड़े हैं 14। आ जाओ, चेक करोगे पुरानी एसेट तो नहीं बेची हुई, पेमेंट में चेक करोगे पुरानी लाइबिलिटी तो नहीं बेची हुई। नहीं क्या जो बिल्डिंग पड़ी हुई है शुरू में 50, ठीक है जी, एरियर सब्सक्रिप्शन है 1000, ठीक है जी, पोस्टर स्टैंप्स है 350, इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है शुरू में 7000, ठीक है जी, आ गई आपकी
ठीक है जी, इसी को फॉलो करो। बैंक लास्ट में दिया हुआ है 10,700, बिल्डिंग 50,000, लेस डेप्रिसिएशन 50,000, एरियर सब्सक्रिप्शन इस बार की कितनी है जी 1,500। हमने उसमें कैलकुलेशन करी थी, एडवांस निकलाई थी, एडवांस कितनी आ गई थी 3,000। पोस्टेड स्टैम्प, तो इन्वेस्टमेंट 7,000 की और है पुरानी, नई भी खरीदी है उन्होंने ध्यान से देखो 77। उसका रीजन ये भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। कैपिटल फंड ये हमने देखो 90% तो ऐसी बन गई हमारी बैलेंस शीट, प्लस सर प्लस कितना है 65,9। ये आपने फट से पुरानी चीजें टैली कर ली 90% पर, पर खत्म नहीं होता काम, यहां पर दोबारा से स्टार्ट करो, शुरू से आ जाओ जी, पेमेंट चेक करो जी, शेयर्स कर दिए हमने, एडजस्टमेंट्स में आ जाओ, बिल्डिंग एडजस्टमेंट कर दी, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गई और एडवांस के बाद पोस्टेज स्टैम्प भी हो गई, इन्वेस्टमेंट वाली हो गई, टू आउट एरियर रिसीव एनुअल डे रिसीव 200, ठीक है जी, और आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ हॉल 3,000, एडवांस टेलीफोन चार्ज, एक लाख 44,000 ये तो मिलेगी पक्के दिन से, बिल्कुल करो जी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी ऐसी कोई इसमें भी घबराने वाली बात नहीं, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 8, बुक हम यूज कर रहे हैं जेआर मोंगा, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 15 का जो सबसे पहले इसमें हमें बनाना है रिसीट एंड पेमेंट। सबसे पहले आपको बनानी है रिसीट एंड पेमेंट, नॉर्मल रिसीट एंड पेमेंट एज ऑन, उसके बाद हमें कुछ बनाना है रिसीट एंड पेमेंट एज ऑन 31 मार्च 2006। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर नया नया शुरू हुआ है, ठीक है जी। पॉइंट वन में देखो डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, डोनेशन मिली है, डोनेशन कितनी मिली है जी, एक्चुअल रिसीव 2 लाख है। और नीचे आ जाओ एंट्रेंस फीस एक्चुअल कितनी, एक्चुअल रिकॉर्ड करना होता है एंट्रेंस फीस टू सब्सक्रिप्शन 19,000, ठीक है जी। लॉकर रेंट 600 मिला है, रिफ्रेशमेंट अकाउंट पर 16,000, ठीक है जी। लैंड 10 लाख जाती थी, एक्चुअल लिखना है, ठीक है ना। फर्नीचर 1,00,000, सैलरीज 48,000, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड 25,000 यूटिलाइज टुवर्ड्स लाइब्रेरी बुक्स खरीद ली गई, 25,000 एंड बैलेंस इज वाज स्टिल, उसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिए गए, लास्ट डेट को खरीदे गवर्नमेंट बॉन्ड 1,07,000 एंड रिमेनिंग बैलेंस पुट इनटू द बैंक अकाउंट अंडर डिपॉजिट, यानी FD करा दी गई 15,000, 2,00,000 को ऐसे उन्होंने डेप्रेशन वगैरह ऐसे में आए। इसमें देखो क्या निकला,
आपका निकला है, बैंक ओडी निकला है इसमें, ठीक है जी। सन्ड्री इनकम वो मैं छूट गया लिखना, इनकम रिसीव है 1060, आपका आ गया ये बैलेंस सीडी 108। ये बेसिकली कहलाएगा बैंक ओवर का, क्या कहलाएगा बैंक ओवर, ठीक है जी। अब हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सबसे पहले शुरुआत से तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। एंट्रेंस फीस फर्स्ट ईयर है और ऊपर से डोनेशन मिली है वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है, इनकम में आएगा एंट्रेंस फीस। एक्चुअल भी इतनी है, रिसीव भी इतनी है, रिसीव भी इतनी है और रेवेन्यू इनकम भी इतनी है। सब्सक्रिप्शन 19,000 होनी चाहिए, 20,000 एड करंट एरिया, इतना हो गया 20,000। लॉकर रेंट इतना ही रहेगा, 600 है तो 600 ही रहे। सन्ड्री इनकम 1060, एड करेंट 16। रिफ्रेशमेंट अकाउंट में 16,000 रुपये मिले हैं और खर्च कितने हुए हैं 8,000 बाय रिफ्रेशमेंट इनकम, 16,000 मिले हैं 8,000 खर्च, इनकम कितनी होगी 8,000, ठीक है जी। पेमेंट्स के लिए आ जाओ, लैंड खरीदिए करे से, सैलरीज 4,800 की पेमेंट हुई है जबकि खर्चा है कितने का 5,000 करंट आउट। ठीक है जी, मेंटेनेंस एड करंट आउटस्टैंडिंग है कितने की 2,000, रेंट में 8 का 8 ही रहेगा, 9% जो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन लगाना है 10% फॉर होल ईयर ऑन फर्नीचर एंड लाइब्रेरी बुक्स। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लाइब्रेरी, फर्नीचर खरीदा हमने 1,30,000 का, कॉस्ट है इतनी और पेमेंट हुई है इतनी, यानी 16,000 रुपये के क्रेडिटर्स भी हैं, ठीक है ठीक है। तो इस पर लगेगा 1,40,000 का 14,625,000 का होगा, 16,700 आपका क्या होगा। अब हम बना लेते हैं क्या निकला, 16,600 600 सरप्लस आ गया, नोट का फिर बैलेंस शीट बना।
pause the video and copy the answer. ठीक है जी, अब बनाएंगे बैलेंस शीट वो भी लास्ट, क्योंकि एक ही साल फर्स्ट ईयर है। बैलेंस शीट सबसे पहले देखो कैपिटल फंड लिखते हैं हम, जो कि इसमें है नहीं, एड सरप्लस, इसी से बन जाएगा हमारा कैपिटल। डोनेशन फॉर बिल्डिंग मिली है 2 लाख, बैंक ओडी निकला था हमारा, बैंक ओडी निकलाया था जो हमने निकाला था 1,08,400, 1,08,148। अब चीजें चेक करते हैं शुरू से, डोनेशन होगा, एंट्रेंस फीस, एरियर सब्सक्रिप्शन क्या होगी, एसेट टैली करते जाओ, लॉकरन ठीक है, एरियर सेंट्री इनकम, रिफ्रेशमेंट अकाउंट, लैंड कॉस्टिंग 10,000। देखो फर्नीचर वैसे तो हमारा 146 का है ना, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर भी है क्योंकि हमने पेमेंट कम करी है 16,000, फर्नीचर हो रहा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस, डोनेशन, लाइब्रेरी बुक्स खरीदी हमने 25,000, लेस डेप्रिसिएशन 25,000, ठीक है जी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए हैं 160 के, फिर एक एफडी करा दी थी 15,000, ठीक है जी, बचा ही नहीं कुछ, कहानी खत्म, शुरू से लेकर एंड तक चले ऑटोमेटिकली सब खत्म होता चला और ये अकाउंट टैली कर देगा आपका। यहां पर आके पहला टाइप खत्म हो जाता है, जहां पे हमें एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बनाना होता है। That's all for the class. पहला टाइप हमने खत्म कर दिया, ठीक है जी।